नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। भाई 100 ले ले, भाई तू 200 ले ले, भाई 500 ले ले, लेकिन मुझे लैंड करा दे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो ज़बरदस्त वायरल हो रहा है, आपने भी देख लिया होगा अब तक। नहीं देखा तो बता दें। एक आदमी पैराग्लाइडिंग कर रहा है, पैराग्लाइडिंग यानी हवा में पैराशूट की मदद से उड़ना। हाथ में एक सेल्फी स्टिक पकड़ी है, अपना वीडियो बना रहा है। उसकी हवा एकदम टाइट हो रखी है और बार बार गाइड से कह रहा है कि भाई तू मुझे लैंड करा दे। देखने में वीडियो बहुत ही मज़ेदार है। डर के मारे गालियां देते इस आदमी को देखकर बड़ी हंसी आ रही है, मीम बन रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग शेयर कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। जब हंसने से फुर्सत मिले तो एक बात पर गौर करिएगा। ऊपर कर लिया पैर और ऊंचे कर लिया। अब इससे ज्यादा ऊंचे नहीं होगा। क्या हुआ यार? कुछ नहीं हुआ भाई, लैंड करना है अब अपने को। पैर ऊपर कर दिए हैं भाई, पूरे पैर ऊपर है। भाई भाई कसम से तुम्हारी कसम, पैर ऊपर है भाई, बस मुझको लैंड करा दे। ऊपर पाओ लेकर दिए भाई, भाई लैंड करा दे बस भाई मेरे। भाई 100-200 ज्यादा ले ले, लेकिन लैंड करा दे भाई। 500 ज्यादा ले ले, लेकिन लैंड करा दे। आज हमारा ये आदमी इतना ज्यादा डरा हुआ क्यों है? जवाब है एक्रोफोबिया, यानी ऊंचाई का डर। ये कोई नॉर्मल डर नहीं है, ये एक तरह का फोबिया है। इसके बारे में और जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर संजीव कालरा से। वो एक साइकियाट्रिस्ट हैं और नोएडा में निर्मया माइंड सेंटर नाम की क्लिनिक चलाते हैं। क्या होता है एक्रोफोबिया? डॉक्टर संजीव कालरा कहते हैं कि ये बहुत ही आम फोबिया है। इसमें ऊंचाई से इतना डर लगता है कि पैनिक की स्थिति बन जाती है, भयानक एंग्जाइटी होती है, धड़कन बहुत तेज हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ऊंचाई से थोड़ा बहुत डर तो सबको लगता है, पर ऊंचाई से नीचे देखते समय कभी कभार सिर भी चकराता है, घबराहट भी होती है, पर इतना नहीं कि आपको दहशत का एहसास हो। फोबिया हद से ज्यादा डर का नाम है। तो ये कैसा महसूस होता है? अब सोचिए, आपको छिपकली से डर लगता है बहुत ही ज्यादा। आप एक छोटी सी लिफ्ट में बंद हैं, बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, कोई दरवाज़ा नहीं है, कोई खिड़की नहीं है। अब आप इस लिफ्ट में 10 छिपकलियों के साथ हैं, मोटी मोटी वो आप पर कूद रही हैं। ये सब सोचकर जिस दहशत का एहसास होता है उसे 100 गुना और कर लीजिए। फोबिया में कुछ इस तरह का डर लगता है। अगर आपको एक्रोफोबिया है तो आपको पुल पार करने से लेकर के पहाड़ों की तस्वीर देखने में भी डर लगेगा, इतना कि आपकी जो डेली लाइफ है उस पर असर पड़ेगा। अब एक्रोफोबिया के क्या क्या लक्षण हैं? बीमार महसूस करना या चक्कर आना, शरीर में कपकपी होना, ऊंचाई से नीचे देखते ही चक्कर आना या ऐसा महसूस होना कि आप गिर जाएंगे, कुछ भी करके ऊंचाई को अवॉइड करना भले ही इससे आपकी ज़िंदगी पर असर पड़े। ऊंचाई देखते ही पसीने छूटने लगना, सीने में दर्द होना, खिंचाव महसूस होना, धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाना, हद से ज़्यादा डर महसूस करना, ये सब इसके लक्षण हैं। पर यह एक्रोफोबिया क्यों होता है? ज़्यादातर पास्ट में हुए किसी डरावने अनुभव की वजह से एक्रोफोबिया होता है, जैसे किसी ऊंचाई से गिरना, किसी और को ऊंचाई से गिरते हुए देखना, ऊंचाई पर भयानक डर महसूस होना। इसके अलावा कभी कभी एक्रोफोबिया की कोई एक पर्टिकुलर वजह नहीं होती। अगर आपके परिवार में किसी को ये फोबिया है तो हो सकता है कि आपको भी हो। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि बचपन में आपको ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डराया गया हो या फिर उसे बचकर रहना सिखाया गया हो। इसका इलाज क्या है? आपको एक्रोफोबिया है या नहीं, इस बात की पुष्टि कोई साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट ही कर सकता है। एक बार इसकी पुष्टि हो जाए तो इसका इलाज मुमकिन है। इसकी शुरुआत थेरेपी से होती है। आपको आपका साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट ऊंचाई या पहाड़ों की तस्वीरें दिखाएगा। लोगों को ऊंचाई से उतरते, चढ़ते या पुल पार करते हुए वीडियो भी दिखाए जाएंगे। थेरेपी के और भी कई तरीके होते हैं, पर यह डॉक्टर पर निर्भर करेगा कि वो आपको किस तरीके की थेरेपी देगा। इसके अलावा दवाइयाँ भी एक उपाय है। एक्रोफोबिया बहुत ही आम है, तो इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं।
आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे दी ललन टॉप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।